में ओलंपिक शुरू हो रहा है। जी हाँ, लेकिन उससे पहले यहां जमकर बवाल हुआ। उपद्रवियों ने कई रेल ट्रैकों पर आगजनी करके भारी नुकसान पहुंचाया है। हर जगह अफरा तफरी मची हुई है। 8 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हो गए हैं और इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। एक तरफ ओलंपिक में हिस्सा लेने के लिए दुनिया भर से खिलाड़ियों का जमावड़ा लगा है, तो वहीं ओलंपिक खेलों से पहले फ्रांस में बड़ा बवाल हो गया है। फ्रांस की हाई स्पीड रेल नेटवर्क पर आगजनी कर हमला किया गया है। कई ट्रैकों पर आग लगाई गई, जिससे पूरा रेलवे ट्रांसपोर्ट सिस्टम चरमरा गया है। स्टेशनों पर लोग फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। हर किसी के माथे पर शिकन नजर आ रही है। बड़ी संख्या में ट्रेनों को रद्द किया गया है, क्योंकि जगह जगह रेलवे ट्रैक को दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। फ्रांस की सुरक्षा एजेंसियां ट्रैक और रेलवे स्टेशन का जायजा ले रही हैं। रेलवे प्लेटफॉर्म में खड़े यात्रियों को सुरक्षा का आश्वासन दिया जा रहा है। अचानक इन हमलों से फ्रांस में लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। तो ये पेरिस का मोपनास स्टेशन है, जहाँ पे कई गाड़ियाँ आज सुबह नहीं पहुँच पाई। और ये TGV की ट्रेन थी, जो कि बहुत तेज गति से चलती है, 300 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज़्यादा रफ्तार है उनकी, और कई जो हिस्से हैं फ्रांस के उनको पेरिस से जोड़ती हैं। ये ट्रेन इसलिए नहीं पहुँच पाई क्योंकि 3 जगह पर ट्रैक पर आग लगा दी गई, जो कि नॉर्थ से, वेस्ट से और ईस्ट से जो ट्रेनें हैं यहाँ नहीं पहुँच पाई, और लगभग 8 लाख पैसेंजर्स को इससे असर पड़ा। लंदन और पेरिस के बीच तोड़फोड़ की घटनाओं की वजह से सेवा बाधित हुई है, जिससे कई ट्रेनों का ट्रैवल टाइम बढ़ गया है। इन हमलों से ट्रेन लाइन की अटलांटिक उत्तरी और पूर्वी लाइनें ज्यादा प्रभावित हुई हैं। सबसे ज्यादा पेरिस का मॉन्ट परनासे स्टेशन प्रभावित हुआ है। जानकारी के मुताबिक इस तोड़फोड़ और आगजनी की वजह से जो नुकसान हुआ है, उसकी मरम्मत में काफी समय लग सकता है। जहाँ पर आग लगी थी उसको वहाँ पर मरम्मत कर दी गई है, तो वहाँ पर अब ट्रेन्स चालू है। लेकिन जो इतनी ट्रेन्स डिले हुई हैं, जो इतनी ट्रेन्स कैंसिल हुई हैं, इसका असर तो काफ़ी दिन चलेगा। और ये मान के चल रहे हैं लोग कि शायद कई लोग जो आज शाम की पेरिस की ओपनिंग सेरेमनी पे आने वाले थे, अब शायद कोई लेट ट्रेन्स लेकर पहुँच पाएंगे। लेकिन भय ये है कि अगर पहले दिन इतना कुछ लोगों ने कर दिया, तो भविष्य में लोग क्या करेंगे। और बड़ी कोशिशें हो सकती हैं कि लोग करें कि किसी न किसी तरह इस गेम्स को रोका जाए या कुछ ऐसा किया जाए जिससे गेम्स का मजा खत्म हो जाए। तो चश्मदीदों के मुताबिक आगजनी के बाद घटनास्थल से लोगों को भागते देखा गया है। मौके पर आग लगाने वाले उपकरण भी मिले हैं। हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों की धरपकड़ की कोशिश तेज कर दी गई है। ओलंपिक ओपनिंग सेरेमनी से ठीक पहले पेरिस में बवाल पर फ्रांस के पीएम का बड़ा बयान सामने आया है। फ्रांस के पीएम ने कहा कि सुनियोजित तरीके से तोड़फोड़ की गई है। अब देखना अहम होगा कि रेल नेटवर्क पर किए गए इस हमले का ओलंपिक खेलों पर कितना असर पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।